आपका नाम? आदिरा। आदिरा, विच प्लेस आर यू फ्रॉम? केरला। कासरगोड। कासरगोड क्या वो इलाका है जहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा हैं, इस्लाम ज्यादा है वहाँ का? वहाँ सामान्य बात हुई। वहाँ सवाल पूछे गए कि सनातन में 33 करोड़ देवी देवता कैसे हैं? फिर पूछा केरल में कितने देवी देवता हैं? मुझे पता नहीं था, मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, जिस पर हिंदू धर्म की वो आलोचना करने लगे। फिर धीरे धीरे हमें किताबें दी गई, कुरान का मलयालम ट्रांसलेशन किया हुआ, धर्म परिवर्तन किए लड़की लड़कियों की किताबें दी गई। हमें फिर इस्लामिक MM अकबर और जाकिर हुसैन की CD और किताबें भी दी गई, हकीम की स्पीच दी गई। इसमें कुछ वक्त लगा, इसमें कंफ्यूजन और बढ़ गया, मेरे पास सवालों का जवाब नहीं था, लिहाजा धर्म परिवर्तन के सवाल पर घुटने टेक दिए। धीरे धीरे वो इस्लाम धर्म के हिसाब से खुद को बदलने लगी और अपने माता पिता को भी धीरे धीरे इस्लाम के बारे में बताकर प्रभावित करने लगी। मैंने और मेरे भाई ने धीरे धीरे इस्लाम को मानना शुरू कर दिया। जन्नत और जहन्नुम क्या है, इसके बारे में बताया गया। मन में डर पैदा किया गया कि इस्लाम को नहीं माना तो अल्लाह का गुस्सा देखने को मिलेगा और जहन्नुम में जाओगी। मैं धीरे धीरे जाल में फंसती गई। कानूनी तौर पर इस्लाम कबूल करने में PFI संगठन के लोगों ने मदद की। ये वही वक्त था जब देश में निमिषा और अकीला की कहानी आ चुकी थी। PFI के लोगों ने कहा कि तुम मुस्लिम धर्म में शादी कर लो, सुरक्षित रहोगी। किसी लड़के से इसकी शादी लगभग तय कर दी गई और कहा गया कि कोर्ट में पति के साथ रहने की मंजूरी आसानी से मिल जाएगी। इस तरह मैं जाल में फंस गई। इस्लाम कल्याण कानूनी तौर पर इस्लामिक संस्था सत्य सरनी जाकर आधिकारिक तौर पर मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए इसमें PFI संगठन के लोगों ने मदद की। और फिर एक दिन मैंने अपना घर छोड़ दिया और अपने मुस्लिम दोस्तों के घर जाकर रहने लगी। घर वालों ने मिसिंग केस किया, उसके बाद भी मुझे कोर्ट में पेश नहीं किया गया। मैं सत्य सरनी जाने का मन बना चुकी थी और पूरी तरह तैयारी कर ली थी। मैं और मेरा भाई ने धर्म परिवर्तन करने का मन बना लिया, हम इस्लाम धर्म फॉलो करने लगे। फिर चाचा को पता चला कि परिवार इंटेलेक्चुअल जिहाद का शिकार हो रहा है, तो उन्हें वापस लाने की कोशिश की गई। तब तक कानूनी तौर पर हमारा धर्मांतरण हो चुका था। 17 दिन तक बिना बताए घर के बाहर रही, उसके बाद पुलिस के सामने सरेंडर किया। फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां मैंने कहा कि मुझे मुस्लिम धर्म में ही रहना है, माता पिता के पास नहीं जाना चाहती। माता पिता ने हार मान ली और कोर्ट में कहा कि तुम घर आ जाओ, वहीं इस्लाम के हिसाब से रहना। मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए हाजिर की